विपक्ष कह रहा है कि निशिकांत जी सिर्फ पैकेजिंग अच्छा कर रहे हैं, मार्केटिंग अच्छा कर रहे हैं, राज्य सरकार भी जो काम करती है उसका भी क्रेडिट खुद ले लेते हैं। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, नहीं तो सकल बिगड़ जाती है। आप हेमंत सोरेन का देख लीजिए, सकल बिगड़ गया है। अब ये जो राज्य सरकार ने कौन सा काम किया है और उसका क्रेडिट क्या निशिकांत दुबे लेंगे? निशिकांत उस काम का क्रेडिट ले रहे हैं जिसको उन्होंने स्थापित किया है, वो एम्स का क्रेडिट ले रहे हैं, वो देवघर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका क्रेडिट ले रहे हैं, वो क्रेडिट ले रहे हैं यहाँ के रेलवे के कनेक्टिविटी का, वो क्रेडिट ले रहे हैं यहाँ के पुनासा जलाशय योजना का। यहाँ पर आरक्षण जो व्यवस्था अम्बेडकर जी ने बना करके गया है, भारतीय जनता पार्टी उसी आरक्षण व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध है। जो आदिवासियों का आरक्षण है, जो दलितों का आरक्षण है, जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है, जिसके आधार पर ये समाज के लोग अपने आप उन्नति कर सकते हैं, इससे कोई यदि छेड़छाड़ कर रहा है तो वो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके प्रति मोदी का ध्यान नहीं हो और उनकी समस्याओं का मोदी जी ने समाधान नहीं किया। चर्चाएं चर्चा में रह जाएंगी और एक अच्छा रिजल्ट लेकर के निशिकांत दुबे यहाँ इतिहास बनाएंगे। गोड्डा लोकसभा सीट इस बार काफ़ी हॉट हो गया है, क्योंकि अंतिम चरण में जो तीन लोकसभा सीट पर चुनाव होना है उसमें से सिर्फ एक यही सीट है जो जनरल है और बाकी दो जो है एसटी रिजर्व सीट है, और इसलिए सभी बड़े नेताओं का फोकस भी इसी सीट पर है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के मधुपुर आए थे, मधुपुर में सभा करके लौटे हैं, और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ गोड्डा लोकसभा के प्रभारी जो पिछले तीन महीने से लगातार इसी क्षेत्र में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, लोगों को जोड़ने में जुटे हैं। तीन महीने से आप हैं, कितना देख पाए, कितना समझ पाए गोड्डा को? इतना दिन में तो पता चल ही गया होगा, बहुत कम दिन बचा है वोटिंग का। इसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहां इतिहास बनाएगी और सारी चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे एक अच्छा बहुमत हासिल करते हुए और भूतो न भविष्यति इस तरह का एक काम माइलस्टोन के रूप में स्थापित करके जाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा जो किए गए विकास के कार्य हैं, विकास के कार्यों के कारण जनता का जो अपार समर्थन उनके साथ है, और दूसरी बात यह है कि जो राष्ट्रीय दल अन्य मान राष्ट्रीय मतलब वो जो गठबंधन है इंडिया नाम का जो गठबंधन है, ये गठबंधन जानबूझ करके इस चुनाव को लोकल इशू पर लेकर के और जातीय आधार पर सांप्रदायिकता के आधार पर वर्गीकरण करके और वो किसी तरह से कुछ वोट हासिल करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि गोड्डा की जनता ये तय कर चुकी है कि उसका जो वोट होगा, उसका जो समर्थन होगा वो मोदी के साथ होगा, क्योंकि मोदी 2024 में जब जीत करके आएंगे तो वो एक ऐसे भारत का निर्माण करने का जनता को आश्वासन दिए हैं जिस पर जनता को भरोसा है, और वो भारत होगा जो विकसित भारत होगा, जो आर्थिक रूप से मजबूत भारत होगा, जो विदेशों में भी अपनी धाक जमा करके और अच्छा चारों तरफ काम करने वाला भारत होगा। तो ऐसे भारत के निर्माण के लिए भारत की जनता और गोड्डा की जनता मोदी का समर्थन करेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बहुत लोकलाइज्ड हो गया इस बार मुद्दे, तो क्या लग रहा है कि लड़ाई भी बहुत टाइट है? लड़ाई टाइट नहीं है, चर्चा का एक विषय बन गया, सिर्फ चर्चा है, चर्चा है। और ये चूंकि एक मानव मन होता है कि उस तरफ यदि नेगेटिव किसी के तरफ कोई ध्यान चर्चा कर देता है तो उसका उस मन के प्रति उसके प्रति लोगों का मन जो है स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है, तो थोड़ा सा ये चर्चा है, लेकिन जनता के बीच में जब हम लोग जाते हैं तो इन सारे चीज़ों को निर्मूल पाते हैं हम लोग, क्योंकि जनता बड़ा मैच्योर्ड है। जनता जो है इस बात को समझती है कि मोदी जी ने आवश्यक चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से और उनके आवश्यकताओं को पूरा किया है, गरीबों के प्रति किया है, महिलाओं के प्रति किया है, नौजवानों के प्रति किया है, किसानों के प्रति किया है, मजदूरों के प्रति किया है,
अर्थात कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके प्रति मोदी का ध्यान नहीं हो और उनकी समस्याओं का मोदी जी ने समाधान नहीं किया। तो इसलिए ये जनता का जो मत है, जनता का जो आशीर्वाद है, ये निश्चित रूप से मोदी जी के साथ रहेगा। चर्चाएं चर्चा में रह जाएंगी और एक अच्छा रिजल्ट लेकर के निशिकांत दुबे यहाँ इतिहास बनाएंगे। आप लोग कह रहे हैं कि ये लड़ाई और ये मुद्दा जो है इस बार यहाँ विकास और उधर जो भी हैं वो जाति और तमाम तरह की बातों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि निशिकांत जी सिर्फ पैकेजिंग अच्छा कर रहे हैं, मार्केटिंग अच्छा कर रहे हैं, राज्य सरकार भी जो काम करती है उसका भी क्रेडिट खुद ले लेते हैं, सिर्फ क्रेडिट लेने जानते हैं। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, नहीं तो शकल बिगड़ जाती है। आप हेमंत सोरेन का देख लीजिए, शकल बिगड़ गया है। अब ये जो राज्य सरकार ने कौन सा काम किया है और उसका क्रेडिट क्या निशिकांत दुबे लेंगे? चारा ये जो घोटाला हुआ है इसका क्रेडिट निशिकांत को जाएगा? ये जो जेल में गए हैं इसका क्रेडिट निशिकांत लेंगे? निशिकांत जी तो बोल रहे हैं कि हम ही भेजें। 50 करोड़ रुपया एमएलए किसी सांसद के घर से निकला है इसका भी क्रेडिट निशिकांत लेंगे? ये जो 31 करोड़ रुपया आलमगीर आलम के घर से निकला है इसका भी क्रेडिट निशिकांत लेंगे? तो यही तो ये लोग काम किए हैं, तो इसी काम का क्रेडिट निशिकांत लेंगे? निशिकांत उस काम का क्रेडिट ले रहे हैं जिसको उन्होंने स्थापित किया है, वो एम्स का क्रेडिट ले रहे हैं, वो देवघर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका क्रेडिट ले रहे हैं, वो क्रेडिट ले रहे हैं यहाँ के रेलवे के कनेक्टिविटी का, वो क्रेडिट ले रहे हैं यहाँ के पुनासा जलाशय योजना का, वो क्रेडिट ले रहे हैं नेशनल हाईवे का, वो इन तरह के कामों का क्रेडिट ले रहे हैं। साहब कहाँ इन ये राज्य सरकार की बातों में आप यहाँ की जनता को फंसाने का कोशिश कर रहे हैं? मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, यहाँ केवल घोटाला किया है, विकास को अवरुद्ध किया है इन लोगों ने, और ये लोग जो अबुआ आवास और नाना प्रकार की जो बातें किए हैं उन बातों से जनता उब गई है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये लोग जो हर समय ये बात किए हैं जनता के बीच में भ्रम फैलाने का कि भाजपा आएगी, 400 पार ये लोग जो नारा दिया है, ये लोग संविधान बदलेगा, ये लोग आरक्षण की व्यवस्था को बदलेगा, ये लोग तानाशाही करेगा, नाना प्रकार की बातें जनता के बीच में ये लोग उछालने का कोशिश किया है। लेकिन मैं यहाँ की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि जनता इस बात का ज़रा विश्लेषण करे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस भर से अम्बेडकर किस तरह का ये लोग अम्बेडकर के साथ व्यवहार किया था, कांग्रेस वर्सेस संविधान, संविधान को ये लोग कैसे निचोड़ करके धज्जी उड़ा दिया था संविधान का। साहबानों का प्रकरण हो या इमरजेंसी की घटनाएं हो, ये साबित करती हैं कि कौन संविधान के साथ खिलवाड़ किया है और कौन लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है, कौन जो है आरक्षण की व्यवस्था को अव्यवस्था करके और संविधान की धाराओं को और अम्बेडकर को किस तरह से अपमान किया है। धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण चलेगा? यहाँ पर आरक्षण जो व्यवस्था अम्बेडकर जी ने बना करके गया है, भारतीय जनता पार्टी उसी आरक्षण व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध है, और हम जो आदिवासियों का आरक्षण है, जो दलितों का आरक्षण है, जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है, जिसके आधार पर ये समाज के लोग अपने आप उन्नति कर सकते हैं, इससे कोई यदि छेड़छाड़ कर रहा है तो वो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। ममता बनर्जी क्या कर रही हैं आज मुसलमानों का 167 जातियों को पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में डालकर और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का लाभ उन लोगों को देने की योजना बना रही हैं। हाईकोर्ट ने रोक लगाया है, किस मुंह से ये लोग बात करेंगे? कर्नाटक में जिस तरीके से ये लोग काम किया है, आंध्र प्रदेश मैंने हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में जिस तरह से इन लोगों ने काम किया है, ये लोग पाप किए हैं देश की जनता के साथ, अम्बेडकर जी के साथ। और दूसरी तरफ मैं आपको दोनों तुलना करके बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से शासन में है, उसके पहले वाजपेयी जी शासन में थे, और हम लोगों ने किसी भी प्रकार से न तो संविधान के साथ छेड़छाड़ किया है, न अम्बेडकर जी का कभी हम लोगों ने अपमान किया है। हमारे शासनकाल में अम्बेडकर जी का तैलचित्र जो है वो लोकसभा के अंदर लगा था, कांग्रेस कभी लगने नहीं दी अम्बेडकर जी को। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि अम्बेडकर जी का जो जन्म स्थान था, अम्बेडकर जी का जो पढ़ाई वाला स्थान था, अम्बेडकर जी का जो कर्म स्थान था, अम्बेडकर जी की जहाँ मृत्यु हुई थी, ऐसे पांचों स्थानों को भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित करके
और उसे पंच तीर्थ का नाम देकर और एक बड़ा भव्य वहाँ पर स्थापना किया है। कोई जा करके देखे तो क्या ये लोग हम लोगों से बात करेगा। मैं ये बात इसलिए आपको कहना चाहता हूँ कि लोग इस बात को जरा समझें कि ये सब कांग्रेस बोल रहे हैं सभी जगह कि ये लोग आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने जो कुकर्म किया है, हम तो 10 साल थे, कोई बता नहीं सकता है कि इस तरह की बातें कभी हमारे शासनकाल में हुई है, कभी नहीं हुई है और हम करेंगे भी नहीं। लेकिन जिस तरह का भ्रम फैला करके, वही बात मैंने आपको पहले कहा कि इन सब चीज़ों को जनता के सामने लाकर और ये लोग केवल चर्चा का विषय बना रहे हैं, वास्तविकता कहीं कुछ नहीं है। जनता हमारे साथ है, हम 400 पार जो मोदी जी का नारा है, उनका जो संकल्प है, उसे सिद्धि में बदलने के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम उसे सिद्धि में बदलेंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.